English you speak? Berber. Berber? Arabic. English? No? No. अच्छा अरब। ये भाई का जो है ना ये लोकल लिबास है देखो। ग्रैब। ये बर्बर। ग्रैब। 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 बर्बर यहाँ पे कबीला है उनका लिबास होता है। हाँ कबीला। व्हाट इज दिस? हाँ ये पानी दे दो। अच्छा इसमें पानी दे दो। मगदो मगदो हिली मगदो वजन क्या ले थोड़ा? ठीक है मजा आ रहा है तन्नू। ओके जी ये हमारा जी कैप्टन है। कुंते में चंदा फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन जी मोराको ट्रिप में। इस वक्त हम मराकेश में हैं। रात को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे फिर से, और यहाँ पे भाई टोटली एक डिफरेंट दुनिया है। हमने एक होटल लिया है सिर्फ $35 का दो बंदों के लिए, और यहाँ पे हमारा स्टे दो दिन होगा। ये पांचवा सिटी है मराकेश टूर में। हम अभी तक बस हम इंटेंसिव चल रहे हैं, ठीक है। आज इस सिटी को विज़िट करना है, आपने हमारे साथ रहना है, बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा सिटी है और दिस इज़ वन ऑफ द इंपीरियल सिटीज़ एज वेल। बहुत डेवलप्ड है, बहुत हलचल है यहाँ पे, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़। तो हमारे साथ जिशान भाई है। जिशान भाई खामोश खामोश रहते हैं इस ट्रिप में, और कल इन्होंने गिल्ला भी किया कि यार आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते। मैंने तो जिशान भाई अभी बताए क्या कहना चाहते हैं आप ट्रिप के बारे में। कुछ अभी तो हम आए हैं अपने चौथे सिटी में, पाँचवें सिटी में, और अभी न्यू सिटी में है, ओल्ड मदीना में जाएंगे। वो तो मैंने बता दिया है। बता दिया फिर मैं क्या नया बताऊं यार, ला कर दो तुम यार। नहीं लोग कहते तुम खामोश हो ना। मुझे खामोश करवा दिया गया है। अच्छा हमारी जुबान बंदी कर दी है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ये अभी हम लोग अपने होटल से निकले हैं, ये मेन एरिया है गुलीस, ये नाम आप चेक करें। यहाँ पे आपने रुकना है अगर कहीं यहाँ पे आप आते हैं, ये बड़ा हलचल वाला एरिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए ताकि कुछ खा लें हल्का फुल्का, तो उसके बाद जो है ना दिन का आगाज़ करेंगे। ओल्ड मदीना विजिट करेंगे इनका, यानी ओल्ड सिटी हर शहर में मौजूद होता है। और कासाब्लांका की जी ये वाइब्स है, आप देख लो, सुबह सुबह का आगाज़ है। और मराकेश मराकेश कासाब्लांका नहीं मराकेश। बहुत ज़्यादा होटल्स है और टूरिस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। नाइट लाइफ यहाँ की बड़ी मशहूर है, और मौसम बड़ा नॉर्मल ज़बरदस्त मौसम है यार। नवंबर का महीना है लेकिन फिर भी मौसम नाइस है, मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है। और हम ये चाचा के पास जा रहे हैं। रात को हमने थोड़ा सा डोनर शॉर्मा खाया था तो बड़ा मज़ा आया था। इसके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, दाल माल ये वो सारा। अच्छा जी ये छोटा सा रेस्टोरेंट है ढाबा टाइप, और ये देखिए इसके पास जी यूट्यूबर। हाँ थैंक यू। ये लोबिया भी है इसके पास, कीमा भी है, दाल भी है और अंडा भी है। मराकेश वैसे मशहूर है ना काफ़ी फूड के हवाले से। शाहरुख खान। शाहरुख खान नॉट फॉर यू। Oh, for me, no. What is this? No. Egg? Okay. ये एक बनाया है, ये अभी हमें भी देगा ये वाला। ये भाई गरम गरम अंडा, और अंडे के अंदर जो है ना ये लैम डाला हुआ है इसने, ठीक है। ये ढाबा रेस्टोरेंट है यार। देखो हमने मराकेश में भी
ढाबा रेस्टोरेंट फाइंड कर लिया है, ठीक है। और रात को हम आए थे ना, बहुत ज़बरदस्त इसके पास फूड था, दाल भी अवेलेबल था और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। उस वजह से हम दोबारा आए हैं, लेकिन अभी इसके पास वैरायटी थोड़ी कम है क्योंकि ये जो चीज़ें हमने देखी है नाश्ते वाला सामान है, ठीक है। तो हमने भी फिर नाश्ते वाला ही ये मंगाया है। भाईजान नाश्ते के बाद ये मोरक्कन टी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ पे वाफर मकदार में अवेलेबल होती है और हर बंदा आपको पेश करता है जहाँ भी आप जाते हो। तुर्किश टी की तरह है, या आप पाकिस्तान में कह सकते हो कि वो जो कावा होता है ना उस तरह है। ये आप देख सकते हो। यार 2020 में भी अखबार वाला जो है ना दुकान सजा के बैठा हुआ है। ये देखो जूते साफ करने वाले और पॉलिश वाले। अच्छा व्यूअर्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूं कि ये मोराकेश जो है ना, मोराको जो कंट्री है ना, लोग उसको मोराकेश कहते हैं, राइट। हालांकि यहाँ पे एक सिटी का नाम मोराकेश है जो अभी जिसमें हम मौजूद है, इस सिटी का नाम है मोराकेश, कंट्री का नाम है मोरक्को इंग्लिश में, और अरबी में उसको कहते हैं मगरिब, ठीक है। तो ये एक इस्तेलाह है, लेकिन इस्तेलाह जो है ना वो बस आप कह लो कि गलत इस्तेलाह मशहूर हो गई है ना। अभी बाकायदा उर्दू में जो है किताबों में लिखा जाता है मोराकेश, हालांकि मोराकेश यहाँ पे जस्ट एक सिटी है और मुल्क का नाम है मोरक्को। तो अभी हम लोग इस मोराकेश में घूम रहे हैं, और वो सिटी मोराकेश जो लोग जो है ना जिसका जिक्र करते हैं मोरक्को के तौर पे। तो हम पैदल जा रहे हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर जाना होगा, तो साथ ही साथ हम रेंडमली ये सिटी को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये स्ट्रीट से जी मोराकेश सिटी की। ये पूरा इलाका जो है ना ये सिटी सेंटर में ही आता है यहाँ मोराकेश का, ठीक है। ये मेन एक रोड है, यहाँ पे ट्रेन स्टेशंस भी है, हर जगह पर ट्रेन जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये वो आखिरी कोने पे हमारा होटल भी है वहाँ पे। तो ये एक किस्म से ना उसके अंदर आता है, सिटी सेंटर के अंदर आता है ये इलाका। इस इलाके का नाम गुलीज है, और ये एयरपोर्ट के भी बहुत पास है, यानी एयरपोर्ट से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है ये इलाका। ये देखिए बिल्कुल कराची वाला माहौल आ जाता है, लोग ग्लासेस बेच रहे हैं, घड़ियां बेच रहे हैं। ये मार्केट से हल्की पुल्की एक्सचेंज वगैरह तमाम चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे आपको। जी स्पा और हमाम वगैरह, मसाज वगैरह भी मिलेंगे। तुर्की की तरह मोराकेश भी काफ़ी मशहूर है हमाम के हवाले से, ये भी फैसिलिटी जगह जगह अवेलेबल है। अच्छा व्यूअर्स, सिटी सेंटर से चलते चलते ना हम इधर आए, ये एरिया है, ये वो तारीखी इलाका है, यहाँ से शुरू होता है। ये पीछे एक मीनार भी आपको नज़र आ रहेगा, ये एक तारीखी जगह इटसेल्फ है ये वाला। और इसके अलावा सामने जो है वो ओल्ड सिटी है, और ये देखिए इंग्लिश यू स्पीक लिबर्गर बर्बर इंग्लिश नो अच्छा अरब। ये बाई का जो है ना ये लोकल लिबास है, देखो ग्रैब, ये बर्बर ग्रैब बर्बर यहाँ पे कबीला है उनका लिबास होता है। हाँ कबीला, व्हाट इज दिस, हाँ ये पानी दे दो। अच्छा इसमें पानी दे दो, दो लो ओके ओके, पानी पियो, ओके ओके। ये इनका लिबास है, ये हर जगह पे नज़र आते हैं, इनका अपना डांस होता है, म्यूज़िक होता है, अपना एक कल्चर है इनका। और ये
कदीम लोग हैं यहाँ पे मराकेश के अंदर, मोरक्को के अंदर, मतलब कदीम लोग हैं, हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहे, पहाड़ों पे रहते हैं। तो ये इनका लिबास है, ऊपर आप टोपी भी देख सकते हैं, इसका सारा ये देख सकते हैं। अच्छा जी, ये अभी हमें पता चला है, हमने मालूम किया, तो ये कुतुबिया मॉस्क है, मस्जिद है, और तकरीबन हज़ार साल पुरानी मस्जिद है। जैसे मैंने आपको कहा, ये हम एरिया में दाखिल हो चुके हैं, हिस्टोरिकल एरिया है मराकेश के अंदर, और इसमें ये फर्स्ट अट्रैक्शन है जो कि मस्जिद है, ठीक है, कुतुबिया मस्जिद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, ये सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक सिटी है यहाँ मराकेश के अंदर। और इसके बाद अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे मस्जिद के अंदर, भी लोग जा सकते हैं यहाँ से, और नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं लोग निकल रहे हैं, नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। मराकेश की मस्जिदें वैसे बहुत खूबसूरत हैं, ये लोग जूस वगैरह सेल कर रहे हैं। मस्जिद से बाहर ये गार्डन की तरफ रास्ता निकलता है। अभी दोस्तों चलते चलते हम ये ओल्ड सिटी के पास पहुंचने वाले हैं, और इसका जब गेट आएगा ना तो पहले उससे दाखिल होंगे, क्योंकि पुराने जो सिटीज़ हैं या मदीना, उनके बाकायदा गेट्स होते हैं और चार दीवारी में होते हैं वो। तो काफ़ी सारे यार यहाँ पर टूरिस्ट जो मैं देख रहा हूँ ना, बहुत टूरिस्ट है इस शहर के अंदर। ये देखिए बहुत बिल्कुल लोकल लाइफ है जानू। अभी भी हल अगुल्ला सही है, ठीक चल रहा है। मदीना में दाखिल हो गए हैं। सबसे पहले जब आप दाखिल होते हैं तो एक बड़ा एक ये मैदान आपके सामने आता है, ठीक है, और इसके बाद ये जितना भी इलाका है ना, ये ओल्ड सिटी है, तो ये तकरीबन 1000 साल पुराना है। और यहाँ पे जब आप एंटर होते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप एक मेले में दाखिल हो गए हो, या जैसे सारी दुनिया के मदारी यहीं पर जमा हो गए हैं। किसी के पास सांप है, किसी के पास जो है ना वो ढोल बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, कोई सांप को नचा रहा है, कोई आपका जो है ना वो किस्मत की हाल जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मैं साइड पे आ गया हूँ यहाँ पे। आप यहाँ से ना वो घुड़सवारी भी होती है, मतलब घोड़े की सवारी जो है, बगी, बगी भी यहाँ पे है, उसमें भी हम ट्रेवल करेंगे, हमने देखी अभी। और ये देखो बिल्कुल यार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी हो रही है। अच्छा जी, ये हाँ जूस के यहाँ पे दुकान है। ये सारे जो है ना जूस की दुकानें हैं। और हेलो, सख्त कंपटीशन है भाई जान, कंपटीशन बहुत है यार आपका, कंपटीशन यहाँ बहुत है। अभी दोस्तों ओल्ड सिटी के बाजार के अंदर आपको लेकर जाते हैं। ओ जी वो गदगाड़ी भी है यहाँ पे। तो make us good publicity, welcome in Marrakesh. Welcome. Thank you very much. What are you selling? What are you? Argan oil, black soap, spices, perfume, rock tea. This is handmade? Yeah, handmade. Handmade. Made from Marrakesh, from area of Marrakesh. Which area?
the Atlas Mountain, not far. Yes, yeah. Fez. Yeah. No, Marrakesh, just Marrakesh like 60, 40 kilometers from Marrakesh. Okay, from yeah. here, from here. Mountain area. Marhaba. Thank you my, so much. My company. Company. Thank you so much. Prices are normal, right? Yeah, it's right down. We're right down the price. It's democratic price. Okay, democratic. 1 euro. Yeah. 10 dirham for one piece, and if you get 10 dirham. ये देखो ये handmade चीजें बनी हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की. This is soap. No, this is Moroccan perfume. There is jasmine. Oh my God. And this is amber. यार perfume देखो. That is amber. ये परफ्यूम है यार ये तो मैं साबुन समझ रहा था परफ्यूम सूखा परफ्यूम दुनिया में पहली बार देखा है हाउ कैन वी यूज दिस यू रब इट ऑन योर स्किन और यू गेट इनसाइड ऑफ योर आर्मोर इन योर लगेज ऑन साइड ऑफ योर कार एंड इट स्मेल गुड हाउ मच इज दिस वन 10 dirham for one piece and if you get 6 pieces one piece 10 dirham okay and if you get 6 pieces for 50 dirham okay also you can burn there is different way to use it you just need to put directly then it will perfume at home or in viewers old city ke andar hum log chal rahe hain aur bahut hectic hai yaar yahan pe bahut log hai bahut rush hai ye aap dekh sakte hain एक चीज़ जो यहाँ मैंने ऑब्ज़र्व की है ना वो ये है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इनकी लोकल हैं और ख़ुद बनाते हैं बड़ी ज़बरदस्त अभी जैसे हमने दुकान में परफ्यूम देखा है ना वो साबुन टाइप तो वो भी बड़ा मज़े का था ये आप देख सकते हैं सुवीनियर्स बड़े अच्छे बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं लेदर के प्रोडक्ट्स यहाँ भी सारे अवेलेबल हैं जो हमने फिस में देखी थी फैक्ट्री के अंदर वो यहाँ भी हैं काफ़ी रश है यहाँ पर और बहुत बड़ा मदीना है ये जो ओल्ड सिटी है मराकेश वाला ये भी बहुत बड़ा है इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्रोडक्ट्स की और चीज़ों की मतलब ये वाकई ये मार्केट को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है ये लोग प्रमोशन को प्रोपेगेंडा बोलते ये सारे भाईजान यहाँ के प्रोडक्ट्स से आप देख सकते हैं शॉप के अंदर मैं आया हूँ और ये आपको तकरीबन हर शहर में मिल जाते हैं मराकेश की किसी भी सिटी में जाओगे ना तो आपको इस तरह की शॉप्स हज़ारों की तादाद में मिलेंगी स्पेशली जो ओल्ड मदीना होता है ना मतलब ओल्ड सिटी उसके अंदर हेलो ब्रदर व्हाट इज़ योर नेम सलाह हाउ आर यू माशाल्लाह सलाह हाउ मच इज़ दिस सुवेनियर दैट वन 120 120 dirham. Yes, not dollar. Okay. Yes, yes almost 12, 10 dollar. And this small one? Small one, two pieces like this. Okay, this two pieces. 40 dirham. 40. ये तकरीबन 3-3.5 डॉलर का है ये दो ये देखिए ये इनका सुवीनियर है ना अगर कोई यहाँ पे आता है तो ये अपने साथ लेकर जाता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लाजमी लेकर जाए हम भी लेंगे और घर लेकर जाएंगे ये इसके भाई का कार्ड है देखो इसका लेस सुवेनियर द मराकेश और ये इसका नंबर है मोबाइल नंबर भी है तो इनसे राबता करे और इनसे परचेस कर ले ठीक है सलाह इनका नाम है थैंक यू प्राइस इफ यू कम इन फ्रॉम माय फ्रेंड गुड प्राइस फॉर ऑल अच्छी प्राइस देगा आपको ठीक है गुड प्राइस हर किसी के ऊपर दूसरा कोई है
अच्छा व्यूवर्स, इस ओल्ड मदीना के बाज़ार में 30-40 मिनट चलने के बाद मुझे ये पता चला है कि एक लामहदूद दुनिया है, मतलब अनलिमिटेड मार्केट है, हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, और आप घूमते घूमते तक जाते हो। मराकेश का बाइक कोई मुकाबला नहीं है, मैंने अभी तक जितनी कंट्रीज़ देखी है ना इन प्रोडक्ट्स के हवाले से और इस तरह की मार्केट्स के हवाले से, मराकेश का कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग सजाते हैं और जो वाइब्स लेकर आते हैं और जिस तरह का ये लोग एटमॉस्फेयर बनाते हैं ना, तो ये कहीं भी नहीं है, और उसका रिस्पांस भी मिलता है। लाखों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट गोरे जो है ना नज़र आ रहे होते हैं, और इन मार्केट्स के अंदर जो है बच्चों के साथ आते हैं और वो करते हैं, क्या कहते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस भी है आप कह सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, मार्केट से निकलने के बाद ये लोगों ने यहाँ पे रेड़ियाँ बनाई हुई है और इसमें भी ये प्रोडक्ट्स जो है सेल हो रहे हैं। ये जस्ट उस सामने मार्केट है, उससे निकल के ये वाला सीन है। नीचे ज़मीन पे भी लोग बैठे हुए ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो एक मेले का जैसे माहौल बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये मेले जैसे माहौल है। वही जूस वाले अगेन, ये देखे वो रक्षा, वो मराकेश का झंडा है, वो रक्षा है, और वहाँ पे बगी, और ये है हमारा हीरो, ये भी परेशान है कि मैं किधर आ गया हूँ। ये बगियां चल रही है भाई, ओल्ड सिटी से टूर करवाती है न्यू सिटी तक लेकर जाती है, ठीक है। सामने वो मेला ग्राउंड है, आगे ओल्ड सिटी है, और इधर जो है ना ये बगियां, ये बगियों का स्टेशन है। अभी इस बगी में हम भी जाएंगे सिटी सेंटर की तरफ, एक टूर करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये घोड़ों की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, पूरा इनका एक स्टॉप है, ये पूरा स्टेशन है। मगदो, मगदो, मगदो। नेम, यू इंग्लिश स्पीक? मराकेश के अंदर जनाब हम लोग ये अभी घोड़े के सवारी ले रहे हैं, बगी, शाही बगी। ये दिन भी देखना था यार मोराको में। भजन क्या ले थोड़ा, ठीक है, मजा आ रहा है तुम्हें? ओके जी, ये हमारा जी कैप्टन है और ये मेन रोड पे चल रहा है। यहाँ की एक ज़रूरी सवारी है ये टूरिस्ट के लिए ख़ास तौर पर।
भाई खैर खैरियत से घोड़े का ट्रिप भी हो गया बग्गी का और काफ़ी गर्मी है, सिर्फ $5 हमें देने पड़ेंगे इसको। पीछे मत जाओ। अच्छा दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और हम दोबारा आए हैं, ये जो ग्राउंड है ना, मतलब ओल्ड सिटी में ये जो मैदान है, यहाँ पे हम दोबारा आए हैं। हम यहाँ से गए थे, सिटी को हमने एक्सप्लोर किया, फिर हम बाहर चले गए थे, लेकिन अब दोबारा आए हैं और यहाँ पे अभी रात को दिन से ज़्यादा रश है। इतना ज़्यादा रश है कि पूरा मेला बना हुआ है। इसकी वजह ये है कि एक तो वीकेंड है और दूसरा जो है ना, मतलब वीकेंड में लोकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे और दूसरा टूरिस्ट भी ज़्यादा है। तो अभी आपको यहाँ पे रात के नज़ारे दिखाएंगे कि नाइट लाइफ यहाँ मराकश की ओल्ड सिटी में कैसे होती है। तो मिस करने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे ये। फाइनली दोस्तों, हमारा आज का हेक्टिक दिन ख़त्म हुआ यहाँ मराकश के अंदर और बहुत मज़ा आया दोस्तों। हमें यहाँ के वाइब्स ही अलग है और इस तरह की जगह लिटरली दोस्तों मैंने कहीं नहीं देखी थी। मतलब ये आप तब ये फील कर सकते जब आप यहाँ पे आते हैं। अगर मैं आपको जितनी भी तारीफ करूँ ना, यहाँ पे जो स्पेशली जो नाइट लाइफ और ये जो मेला और रात को जो फूड स्ट्रीट मैंने चेक किया है ना, इसका कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर। और बाकी दिन में भी आपने देखा कि कितना खूबसूरत यहाँ की जो स्ट्रीट्स वगैरह है और जो लोग है, जो फूड है और जो ओल्ड मदीना वगैरह था, तो हर चीज़ A1 है, ठीक है। और बड़ा हमें मज़ा आया है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, मोराको भी और ये मराकश सिटी भी। और अगेन मराकश सिटी जो है ना, ये सिटी है मोराको के अंदर, मराकश मुल्क का नाम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सोने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और फिर जो है मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपने एडवेंचर में इसी टूर के अंदर।